तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है। एक्चुअली जो आप जैसे कोई भी नया गाना आता है, आप क्या करते हो कि गूगल पर सर्च मारते हो कि इस गाने के कोड क्या है, और जो वहाँ पे कोड लगते हैं आप उसी को लगाते हो और गाना गाते हो। आप किस तरीके से ढूंढ सकते हो किसी भी गाने के कोड, आप गूगल पे डिपेंड ना रहो, यूट्यूब पे डिपेंड ना रहो, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कोड निकालने की। आज मैं एक गाना आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उस गाने के अंदर वो कोड क्यों लग रहे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं। एक है हमारा गाना खामोशी, आपने सुना होगा। उस पे कैसे हम उसका स्केल प्ले करें, कैसे हम उसके कोड ढूंढें। कोड हमारे एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, और हमारे 8 कोड भी लग सकते हैं, 7 कोड भी लग सकते हैं। वो किस तरीके से वर्क होता है गाने के अंदर, हम किस तरीके से कोड लगाएं, जैसे कोई भी नया गाना आ गया, हम खुद खुद किस तरीके से हम कोड लगाएं उस गाने के अंदर। वीडियो में बढ़ते आगे, अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे चैनल को मिलता रहे। बढ़ते वीडियो में आगे फ्रेंड्स, अब आगे अपने क्लोजर लुक में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाना के कोड ढूंढने से पहले आपको स्केल की नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली हमारा स्केल क्या होता है, सारे गामा पा धा नि सा होता है। दूसरा स्केल क्या होता है कि हमारा इनमें से ऐसा कोई ना कोई नोट ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा मैच हो रहा होगा, वही हमारा पहला कोड बनता है। जो भी कोड बनेगा उसकी ही फैमिली लगेगी। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा खामोशी या सॉन्ग है, जो हमारा खामोशी है सॉन्ग है, उसके अंदर हमारा जो नोट मैच हो रहा था वो हो रहा था हमारा डी। थोड़ा बज कर रहा है मेरा गिटार क्योंकि स्ट्रिंग काफ़ी पुरानी हो गई, मैंने चेंज नहीं करी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसको इग्नोर करना। मेरा डी नोट आ रहा था, अब मेरा डी नोट आ गया, अब गाना मेजर पे है माइनर पे है। आपको स्केल फाइंड करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा स्केल किस तरीके से फाइंड होता है। अब हमें स्केल तो मिल गया कि हमारा डी नोट तो बहुत ज़्यादा मैच हो रहा, तो यही हमारा स्केल बनेगा। अब डी मेजर या माइनर, वो आपको सिंगिंग करके देखना पड़ेगा कि हमारा डी माइनर पे मैच हो रहा है या हमारा मेजर पे मैच हो रहा है। जो मेरा गाना ये वाला मैच हो रहा था, और जो गूगल के ऊपर कोड है, वो जो हमारा नोट मैच हो रहा था वो हो रहा था डी, और जो इसका पहला कोड बनेगा वो हमारा बनेगा डी माइनर, क्योंकि माइनर के ऊपर ही है गाना, मेजर के ऊपर नहीं है। अब डी माइनर है, अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड अपना स्केल। स्केल फाइंड करने के बाद अब हमें स्केल प्ले करना है। एक्चुअली डी माइनर का स्केल किस तरीके से प्ले होता है, डी माइनर का स्केल कहने का क्या मतलब है, हमारे सारे गामा पा धा नि सा प्ले करने हैं। इसके क्यों करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा डी नोट, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये हमारा डी माइनर का स्केल है। दोबारा देख लीजिए, सा रे गा। अब डी नोट कैसे हुआ, ये ए नोट, ए कोड प्ले करते हैं, सॉरी ए, हाँ ए कोड प्ले करते हैं, ए ए शार्प बी सी सी शार्प डी, डी नोट आ गया। अब माइनर स्केल प्ले करना है, सा रे गा मा पा धा नी, और ये हो गया हमारा सा। अब हमारे ये तो नोट लग गए, अब इन ये कितने नोट लगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया हमारा 8। 8 बार रिपीटेड होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँच छः सात, 7 नोट होते हैं हमारे। बाकी रिपीट जो है वो हमारा हाई का है, जो कि हमारा यहाँ पे लो में प्ले हो रहा है, मिडल में प्ले हो रहा है। ये हमारा लो मिडल है, हमारा हाई है, इसको इग्नोर करते हैं। हमारे 7 निकले, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 नोट के कोड बनेंगे। अब 7 नोट के कोड मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारे 7 नोट से कोड किस तरीके से बनते हैं। अब इससे क्या बनेगा वो आपको अपनी थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारा माइनर माइनर स्केल मेलोडी होती है, ये हमारा पहला नोट, जो माइनर स्केल की मेलोडी बता रहा हूँ, पहले माइनर स्केल की मेलोडी क्या है, पहला नोट बनेगा हमारा टोनिक माइनर, दूसरा नोट बनेगा हमारा डिमिनिश, इसको छोड़ देते हैं, हमारा यूज नहीं होता, रिलेटिव मेजर तीसरा, हाँ तीसरा, चौथा बनेगा हमारा फोर्थ परफेक्ट माइनर, ठीक है, फिर बनेगा हमारा टोनिक माइनर। टोनिक माइनर कहने का क्या मतलब है, ये नोट हमारा माइनर बनेगा। अब ये नोट क्या है, ए, तो क्या बनेगा हमारा कोड, ए माइनर, ठीक है। और हमारा फिर क्या आ रहा था, ये सब डोमिनेट, टोनिक माइनर डोमिनेट था, ए नोट सब डोमिनेट हमारा हो गया, ए शार्प, फिर हमारा हो गया डोमिनेट, ये डोमिनेट क्या हमारा मेजर ही जाता है। अब हमारे कोड, जो हमारे कोड थे वो क्या क्या निकल के आए, हमारे कोड निकल के आए वो डी माइनर, डी माइनर, डिमिनिश यूज नहीं होता छोड़ देते हैं, एफ डी माइनर हो गया, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प, सी मेजर,
अभी हमारे कोड निकल के आ गए। अब हम इस गाने को गाने के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं पहले ही बता देता हूँ आपको। गाना अच्छी तरीके से सुनना है और उसके अंदर कोड लगा लगा के देखना है कि कौन सा अच्छा मैच हो रहा है, कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारे उस लाइन पे। अब देखो मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं, बट मेरी एयर ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। अच्छी ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छी है, नहीं, बट 80% 70% मैं कोड ढूंढ लेता हूँ खुद से। मैं गूगल पे, अभी आपको तो 1% भी नहीं पता, 1% है तो अच्छा है ना कि 70% 80% पता हो, है ना। 100% है तो कोई भी नहीं निकाल पाता, क्यों? क्योंकि वो हमारे जो 100% नोट, सॉरी, जो हमारे 100% कोड निकलते हैं गाने के, वो निकलते हैं हमारे लीडिंग पार्ट से, जो हमारे टैप्स पार्ट होते हैं ना उनसे निकलते हैं हमारे 100% वेरीफाई कोड। बट हम उस पर लगा लगा के देखेंगे, जैसे हमें कोड पता चल गए, थ्योरी पता चल गई, हमने कोड भी निकाल लिया, अब हम लगा लगा के देखेंगे कि हमारे किस पे हमारा कौन सा कोड मैच हो रहा। थोड़ा सा हम थ्योरी उस पर देख लेते हैं गाना गा के। अब मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप कहो सर आपकी तो खुद की आवाज़ मैच नहीं हो रही, आप हमें सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। बट जो भी गूगल के ऊपर कोड है वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो बता रहा हूँ। बढ़ते वीडियो में आगे, देखिए जब भी हमारा पहला नोट क्या आ रहा था ये, तो अब क्या करना है हमें कि डी डी माइनर आ रहा है तो डी माइनर पे पहले गाना गा के देखते हैं, थोड़ा रियाज कर लीजिए अपना इस पे। सारे गामा तो बहुत ज्यादा हाई है, बट हम कोशिश करते लगाने की। स्ट्रमिंग पैटर्न क्या आएगी इस गाने में, ये वाले डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है, ये वाली हमारी स्ट्रमिंग पैटर्न आएगी। अब हम पहली लाइन क्या इसकी, खामोश खामोशिया खामोशिया आवाज है, अब आवाज है, अब ये हाई है थोड़ा, तो अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा ना कोई लो का कोड लगा के देखेंगे कि कौन सा कोड अच्छा लग रहा है। आवाज और कौन सा कोड है, आवाज नहीं ये भी नहीं जा रहा, आवाज नहीं, आवाज ये शार्प है ना, ए माइ ए, ये कौन सा हो गया ए, इसमें हमारा ए शार्प नोट कोड भी लगा, आवाज आवाज ये हल्का हल्का मैच हो रहा है ए शार्प, बट देखते हैं हमारा सी मैच हो रहा, आवाज नहीं हो रहा, आवाज आवाज जो अच्छा जो हल्का आप खुद प्ले करोगे तब पता चलेगी, जो मतलब हल्की सी फील आ रही है ना वो हमारी आ रही है एफ मेजर में। अब देखते हैं खामोशी आवाज तुम सुनने मैच ही नहीं हो रहा कोई कोड, अब ए माइनर जा रहा है, तुम सुनने तो आओ कभी का, अब कौन सा कभी अच्छा लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा, यही कोड है इसका। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ढूंढते हैं कोड खुद से, आपको खुद पता चल जाएगी यार ये वाला कोड लग रहा है। खामोश खामोशिया एक्चुअली मेरी थोड़ी सी स्ट्रिंग बजिंग कर रही है, मैं इन्हें चेंज करूंगा, उसको इग्नोर कर देना। कौन सा था, घर को बुलाओ कभी, मतलब ये ना जो मैं पूरा गाना भी गा दूंगा ना बिल्कुल इसी तरीके की प्रोसेस हो रही है। तो अब हमारे कोड प्रोग्रेशन निकल गई, हमारी डी माइनर निकल गई, हमारी एफ शार्प सॉरी एफ मेजर निकल गई, फिर हमारी ए माइनर निकल गई, फिर हमारी जी माइनर निकल गई। इस तरीके से हम कोड ढूंढते हैं। अब जब खुद बैठोगे खुद गाओगे, मुझे नहीं पता कि माइक में किस तरीके का रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगी यार यही वाला कोड लग रहा है। आमो, आमो, आमोशिया, आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी।
तरीके का आप कोड ढूंढ सकते हो। एक इसकी सबसे सबसे अच्छी लाइन जो एंड मतलब बीच में आती है ना, वो वाली आती है, क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ। तो अब देखते हैं हम उसके उसके मतलब हल्के से क्या कोड मैच हो रहे हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। हमारा वही डी माइनर, ठीक है। अब क्या होगा, डी माइनर के बाद हमारा जी माइनर लगा, जी माइनर के बाद सी मेजर लग गया, और सी मेजर के बाद हमारा बैक टू F मेजर लग गया। ये गूगल पे जो कोड है वो बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम डी माइनर लगाएंगे, जब तक क्या करना है आपको, जब अगर आपका किसी कोड पे आप सीख भी सकते हो गूगल से देख के, जब आप ट्राई करना है कि गूगल पे क्या है कि डी माइनर लग रहा है, तो उस पर आवाज मैच करो। डी माइनर पे रुको, पहला वर्ड क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी लाइन गा रहा हूं, वाली लाइन है ना, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, तो वाली लाइन है। तो अब मे पे होल्ड कराओ कि आवाज कहां तक मैच नहीं हो रही हमारी और कैसे मैच करनी है। हो गई मैच, इस तरीके से आप खुद से कोड लगा सकते हो। 100% तो नहीं निकल पाएंगे, वो भी सच्चाई है, नहीं निकल पाएंगे भाई, हो सकता है निकल भी जाए बट नहीं निकलते। जो हमारे वेरीफाई 100% कोड निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे लीडिंग पार्ट से। वीडियो हो सकता है आप छोड़ के भी भाग गए हो, अगर देख रहे हो तो आपको नॉलेज मिल रही होगी। यही है, इसी तरीके से आप गाओ और कोड लगा लगा के देखो कि कौन सा मैच हो रहा है, इससे आपकी एयर ट्रेनिंग भी मजबूत होगी। बस आज की वीडियो में इतना था, एंड 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 इसकी तरह कर रहा हूँ। इसी तरीके से और वीडियो चाहिए, लेसन चाहिए और नए नए गानों पे कि किस तरीके से वर्क करता कोड और गानों में, तो कमेंट कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे चैनल को मिलता। बस आज की वीडियो इतना था, मैं मिलता आपको अगली वीडियो में।